मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकता। दूसरी ओर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वायरल पोस्ट को डिलीट करते हुए कहा कि उसने यह पोस्ट नहीं डाली है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूँ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।